नमस्कार, इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ईएसपी कैंडिडेट्स के लिए एक और अच्छी खबर आई है और जो बचे हुए कैंडिडेट्स थे उनको एक बार फिर से एचएसएससी ने कॉल कर लिया है। इसका मतलब ये कि अभी तक एचएसएससी को जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं 196 उतने नहीं मिले हैं, इसलिए फिर से उनको कॉल किया गया है कैंडिडेट्स को। तो चलिए, ये नोटिफिकेशन क्या कहता है। ये कह रहा है कि 18/12/2019, 6/2/2020, 4/8/2020, 21/9/2022 और 23/9/2019 के जो आपके वेरियस नोटिफिकेशन आए थे, अब उन्हीं को फॉलो करता हुआ ये नोटिफिकेशन भी आपके लिए प्रस्तुत है। और इसमें क्लर्क की कैटेगरी नंबर 1 में ईएसपी के कैंडिडेट्स हैं उनको फिर से ये 16 नंबर की लिस्ट है, 16 पेजेस की लिस्ट है और एक में 133, यानी तकरीबन 2200-2300 के आसपास, एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं मालूम है, कैंडिडेट्स को कॉल किया है एचएसएससी ने। और ये 7/9 का नोटिफिकेशन है और इनको 9 से 11 तारीख को पंचकुला ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 9 बजे रिपोर्टिंग करनी है। आप स्क्रूटनी में जो जो डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो हमारे इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल की वीडियो देख सकते हैं। साथ में अगर आप कोई नहीं अपीयर होता है डॉक्यूमेंट में तो आगे आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी। तो ये सब एचएसएससी ने आज अपनी वेबसाइट पे डाल दिया है। इसका मतलब आज फाइनल हियरिंग भी थी एलपीए 1332 की। इस लिस्ट के आने के बाद ये इंडिकेशन है कि सी न्यू ग्रेडेशन तो एज इट इज़ रहेगी, कि उनको तो लगाना ही लगाना है। आगे के क्या मतलब निकलते हैं, क्या अर्थ है, वो जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर करता है हाई कोर्ट एलपी 1332 का, उस पर सब कुछ निर्णय डिपेंड करेगा। तो आप देख रहे थे इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।